Hello students, hope you are doing well. Great. So today we shall do the next lesson from your Hindi textbook, that is chapter 10, Goshala. It means cow shed. Let's know about the writer first. Page number 88. Suprasidh Gadya Lekhak Ram Vriksh Benipuri ka janm 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुरी नामक गांव में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पतितों के देश में, जंजीर और दीवारें, आम्रपाली, माटी की मूरतें, चिता के फूल आदि हैं। उन्होंने सामाजिक समस्याओं मीन्स सोशल प्रॉब्लम्स को बड़े ही रोचक एवं प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव वे ढंग से प्रस्तुत किया है। उनका देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ था। तो आइए पाठ का परिचय पढ़ें। पृष्ठ संख्या 84। पाठ 10, गौशाला। वृद्ध लाचार साधनहीन व्यक्ति को बुढ़ापे में सहारे और आश्रय की आवश्यकता होती है। मीन्स सहारा मीन्स सपोर्ट एंड आश्रय मीन्स शेल्टर। परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता है। समाज में नाम कमाने के लिए अपनी प्रभुता और संपन्नता मीन्स रिचेस को का दिखावा करने के लिए मतलब जस्ट फॉर शो ऑफ लोग गौशाला हेतु तो दान दक्षिणा देते हैं, परंतु बूढ़े अभावग्रस्त दीनहीन किसान की जीवन रक्षा का वे कोई प्रबंध नहीं करते हैं। तो आगे है कन्फ्यूशियस का कथन। महानता केवल आदर्शों की ऊंचाइयों को छूने में ही नहीं अपितु गिरे हुए को सहारा देकर उठाने में भी है। इट मीन्स ग्रेटनेस लाइज नॉट ओनली इन टचिंग द हाइट्स ऑफ वैल्यूज बट ऑल्सो by giving support to the fallen ones to lift them up. So अब हम पाठ पढ़ते हैं। उस दिन रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरु जी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली। तो ये जो नरेटर है वो कहानी बता रहा है। तो बचपन की बातें ऐसी होती हैं कि जब बारिश होती तो हमें बहाना मिल जाता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। और उस ज़माने में गुरुजी एक स्टिक छोटी सी एक स्टिक रखते थे अपने पास। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहा है हरी हरी खजूर की डेट स्टिक कोई होती होगी ऐसी डराने के लिए बच्चों को अपने पास रखते थे जो टीचर्स होते थे। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा नहाऊंगा कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा बबल्स बुलबुले मतलब बबल्स खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। तो नॉर्मली बच्चे ऐसे ही करते हैं बारिश में। किंतु उस वर्षा में भी देखा गांव के रामफल काका कीचड़ में सने सिर पर छाता ओढ़े लेकिन ज़्यादातर भीगते बड़े जा रहे हैं मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। तो खिड़की में बैठा अब जो ये है बच्चा ये बाहर का दृश्य भी देख रहा है और उसने देखा कोई रामफल काका इस ढंग से ऊपर छाता तो लिया हुआ उन्होंने पर फिर भी बारिश से वो बच नहीं पा रहे हैं भीग रहे हैं। तो अक्कल जो उनके पड़ोस में कोई रहता है उसके घर जा रहे हैं। रामफल काका मेरे गाँव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति हैं। कंजूस मतलब जो पैसा नहीं खर्चना चाहते। अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला इंसान है। हरफन मौला का मतलब होता है ऑलराउंडर जो कई विद्याओं में निपुण हो मत बहुत से काम जानता हो एक साथ कर सकता हो। अक्कल ज़रा चलो भानस घर का खपरैल उधर जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है खाना पीना बंद है चलो। तो भानस घर मतलब किचन रसोई घर। खपरैल होता है टाइल जैसे टाइल्स होती हैं वो उखड़ गई होंगी उधड़ गई होंगी तो जिसके कारण वहाँ से पानी ड्रिप कर रहा है मतलब लीक कर रहा है छत से
और पूरा जो रूम है वो पानी से भर रहा है। तो खाना किचन में क्योंकि हो रहा है ऐसा, तो खाना मतलब नहीं पककर खाना पीना सब बंद हो गया, तो इसलिए वो उनको बुलाने आए हैं, राम फल काका अकल को बुलाने आए हैं। ज़रा खपरेलों को दुरुस्त मतलब ठीक कर दो, बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ़ कीजिए, तबीयत ठीक होती तो हुकुम सिर आँखों पर। तो ये अक्कल कह रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, यदि मैं ठीक होता तो मैं चलता ज़रूर। अक्कल रामफल काका का काम प्राय ही किया करता था, मतलब अक्सर वो करता था, किंतु उसे सबसे ज़्यादा तो इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं। मतलब क्योंकि वो पैसा नहीं ना खर्च करना चाहते रामफल काका, तो अब जब मुसीबत सिर पर ही आ पड़ी तो उनको मजबूरी में उसको बुलाना पड़ रहा है अपनी वो खपरेल को ठीक करवाने के लिए, किचन की जो छत है उसकी टाइल को ठीक करवाने के लिए, अदरवाइज़ वो ऐसे ही काम चलाते रहते हैं। तो कहते अब मुसीबत में आ गए मेरी जान लेने के लिए। जैसे गरीब की देह देह नहीं कि गरीब को जब चाहे यूज़ कर लो, उसका शरीर शरीर नहीं है। उसे सर्दी लग गई थी, वह रह रहकर खांसता था, मतलब उसको खांसी थी, उसको ठंड लग गई थी अक्कल को। यह बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे, तो वो नहीं ठीक था, पर फिर भी जो रामफल काका उसको बुलाने आए हैं। किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। अब मतलब साम दाम दंड भेद मतलब किसी भी तरह से उन्होंने मनवा ही लिया उसको अक्कल को अपने साथ ले जाने में। अब ये एक्चुअली वर्ड क्या है, साम दाम दंड भेद क्या होता है? साम मतलब पहले हमने समझा बुझाकर किसी को अपनी बात मनवाना, यदि वो नहीं माने तो दाम देकर। दाम क्या होता है? मतलब पैसा देकर कि चल इसके बदले में तुझे पैसा दूंगा, चल मेरा काम कर। दंड मतलब अदरवाइज पनिशमेंट देकर भी, नहीं तो मैं पनिश करूँगा यदि नहीं करोगे। भेद मतलब उसका कोई सीक्रेट डिस्क्लोज कर दूंगा मैं। तो इस ढंग से आगे जो राजा महाराज जो लोग पुराने ज़माने में इस ढंग से किसी से कुछ काम निकलवाना होता था तो ये तरीकों का प्रयोग करते थे, साम दाम दंड भेद। तो यही काम अब रामफल काका ने भी किसी भी तरह से उसको मनवा लिया, उसको तैयार कर लिया अपने साथ ले जाने में। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। तो ये जो नरेटर है, ये जो लेखक जो भी कहानी बता रहा है, उसने अब ये एक घटना बताई अपने बचपन की, किस तरह से अक्कल को रामफल काका अपने साथ लेकर गए अपनी उस खपरेल किचन की खपरेल को ठीक करवाने के लिए। अब है अगला दृश्य, अक्कल अब उसके विषय में नरेटर बता रहा है अक्कल कौन है। अक्कल पांच हाथ का लंबा जवान, मतलब पांच हाथ कह सकते हैं 5 feet लंबा, रंग वही भारत के आदिवासियों का, विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर ना पड़कर आकार पर पड़ा था। हट्टा कट्टा मतलब कलर तो उसका कम्प्लेक्शन डार्क ही था, बट उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी सॉलिड थी। हट्टा कट्टा मतलब बड़ा हृष्ट पुष्ट था, बड़ा ही मतलब उसकी मजबूत उसकी बॉडी थी, हट्टा कट्टा सॉलिड। जिस खेत की कोड़नी में अक्कल पहुंचा, कोड़नी क्या होता है, जो गुड़ाई करना, जैसे खेत में वो फसल बीजने से पहले गुड़ाई करते हैं ना, उसको उसकी डिगिंग करते हैं, उसको कोड़नी कहते हैं। उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए, मतलब जिस भी खेत की वो कोड़नी करता था, मतलब गुड़ाई करता था, खरपात क्या होते हैं, जो घास फूस ऐसी उगा होता है खेत में ना, फसल तो जो है हम उगाते ही हैं, उसके साथ साथ कई बार ऐसी घास फूस भी, ग्रास मतलब ऐसी स्ट्रॉ कुछ भी उगाते हैं, तो जब हम कोड़नी करते तो उनको वेस्ट जो ये घास फूस होता है उसको निकालना होता है। तो ये जो अक्कल था वो बहुत अच्छे ढंग से गुड़ाई करता था, और जो ये घास फूस खरपात होते थे वो उसके नाम को रोते थे, मतलब उनको पता था अब हमारी खैर नहीं, कि हम बचने वाले नहीं हैं। उसकी कुदाल क्या थी, कुदाल क्या होती है, स्पेड। अब वो कैसी थी, परशुराम और बलराम के कुठार और हल्की खिचड़ी। तो परशुराम भी जो नाम आपने सुना होगा, जो कि रामायण में आपने उनका इनका नाम सुना था, ऋषि हुए हैं, और बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई। तो दोनों जो परशुराम होते थे उनके पास कुठार होता था, मतलब एक्स,
और बलराम भी उनके उनके वो हमेशा अपने पास हल रखते थे। हल क्या होता है? प्लो, जो खेतों में आगे जो हल चलाने के लिए जिस वेपन का प्रयोग होता था उसको हल कहते थे, प्लो। तो उसका जो ये स्पेड थी, अक्कल की, दोनों का मिक्सचर था, मतलब कुठार और हल का मिक्सचर। उसके जैसा महीन जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा? मतलब वो बहुत बारीकी से किसी भी खेत की गुड़ाई करता था। घर बनाने में तो उस्ताद, और मतलब यदि खेत की गुड़ाई करनी है तो उसमें भी बड़ा एक्सपर्ट है। यदि किसी का घर बनाना है तो मेसन भी बहुत अच्छा है, मतलब एक्सपर्ट है उस काम में भी। गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में, चाहे छप्पर में, अक्कल का कुशल हाथ उसमें ज़रूर है। मतलब किसी की कुछ भी कंस्ट्रक्शन हुई है तो कहीं ना कहीं अक्कल ने ही काम किया है। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तु विद्या, मतलब वास्तु विद्या मतलब भवन निर्माण कला जो है उसका जो उसका ज्ञान है, कि ये अपार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। मतलब बहुत अच्छा उसने, वो जो एक उदाहरण देखना हो उसके उसकी भवन निर्माण कला का, तो उसका उनका बंगला देख सकते हैं। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफ़ी खुशामदें पाता था और पैसे भी, मतलब क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड था, बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए लोग उसकी बहुत खुशामदें करते थे कि प्लीज़ हमारा काम कर दो, हमारा कर दो, और बदले में अच्छे पैसे भी मिलते थे उसे। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया। औकात क्या होती है? हैसियत, मतलब जो उसकी हैसियत थी, मतलब जितने वो खर्चा कर सकता उससे भी बढ़कर उसने अपने बच्चों के, लड़कों के को जो लालन पालन है उनका, मतलब पालन पोषण करने में उसने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, अच्छे ढंग से किया। और बेटी को तो वह इस शान से रखता कि गांव की बबुइयाँ भी मन ही मन चिढ़ती। बबुइयाँ मतलब जो बड़े घरों की लड़कियाँ या लेडीज़, मतलब उनके उसके साथ जेलस करती भी, ये इसको तो बहुत नाजों से रखता है ये अक्कल अपनी बेटी को। अक्कल की उदारता की चर्चा होती, तो गरीब होकर भी, मतलब एक मेसन ही था, एक मजदूर ही था, बहुत उदार भी था, मतलब काइंड भी था, जेनरस भी था। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्कल जरूर करता था। वह काम करने में सक्षम था, मतलब कैपेबल। उसकी आमदनी मतलब इनकम साधारण मजदूरों से ज़्यादा तो थी ही। उसने एक गाय भी पाल रखी थी और दो तीन बकरियां भी, इनसे भी काफ़ी पैसे आते। तो इस ढंग से वो अपने मतलब अच्छे पैसे कमा लेता था। अब अगला सीन है, मैं अब शहरी जीवूँ। अब जो ये जो नैरेटर है, जो कहानी बता रहा है, या बड़ा हो गया, अब ये मतलब गांव में नहीं शहर में रहता है, तो इसलिए उसने लिखा, मैं अब शहरी जीवूँ, कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था, मतलब विलायती मतलब कोई इम्पोर्टेड मैगजीन, मतलब विदेश की कोई मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींचते हैं। जीवंत तस्वीरें मतलब बड़ी लाइवली पिक्चर्स मतलब ड्रॉ करते हैं, मतलब जो भी कहानी थी ऐसा लग रहा था जैसे सामने ही घट रही हो, इतनी लाइवली थी। कलम है या रंगीन कूची, मतलब उन्होंने तो लिखा है कहानी, पेन से लिखी है, पर वो कहते कलम ऐसे लगती जैसे कि ड्रॉ कर दिया हो, इतना अच्छा उसका उन्होंने एक्सप्लेन की कहानी। सलाम बबुआ, आंखें ना उठी। अब किसी ने उनको सलाम किया तो जो नरेटर है वो कहता, मैंने आंखें नहीं उठाई, मैं कुछ पढ़ने में गर्क था। गर्क का मतलब होता है डूबा हुआ, मतलब इतना उसमें तल्लीन था, मतलब बिजी था पढ़ने में, मतलब उसको जैसे उसने इग्नोर किया कि किसी ने मुझे बुलाया बुलाया है। कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, स्वांग मतलब ड्रामा नाटक कर रहा था, मतलब कहते कुछ तो मैं सच में भी पढ़ रहा था, कुछ मैं एक्टिंग भी कर रहा था कि मैं तो बहुत बिजी हूँ पढ़ने में। कुछ उपेक्षा भी थी, उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। देहाती मतलब जो विलेजर्स हैं, अब कोई बाहर से आया है उनके घर, उनके गांव में, तो उनको ऐसे ही कुछ ना कुछ उनसे बात करने के लिए विलेजर्स चले आते रहते हैं। तो इसलिए वो कहता, मैं बहुत दुखी था कि बस अब एक और विलेजर आ गया होगा मुझसे बातें करने। फिर वही आवाज़,
मैंने आंख उठाई, एक लकुटिया, लकुटिया मतलब छोटी सी स्टिक, और दो सूखे पैरों के सहारे तीन टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। तो उसने वो जो सामने उसने आंखें उठाकर देखा तो एक बड़ा ही थिन और वीक सा एक कोई ओल्ड मैन खड़ा उनको नज़र आया, जो कि उसको लग रहा था जैसे कि तीन टांगों वाला एक जानवर हो, मतलब इतना वीक था। दो टांगें तो उसकी थी, बड़ी थिन सी एक स्टिक भी पकड़ी थी, उसको ऐसे लगा, मतलब ऐसे उसने डिस्क्राइब किया उस स्ट्रक्चर को, उस बूढ़े को, मानो एक जानवर हो, एक वीक सा। चेहरे पर गौर किया तो गौर करके देखा तो पता चला काले चेहरे को सफ़ेद सफ़ेद बालों के ठूंठ उसे और भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी, तो उसका जो फेस था उसमें जो नेक थी वो हिल रही थी, मतलब वीकनेस के कारण जो भी बूढ़ा था वो, और जो फेस था उस पर दाढ़ी उगी थी वाइट, तो वो और भी उसके फेस को डरावना सा बना रही थी। तो उसने खुद ही अपनी फिर इंट्रोडक्शन दी, क्योंकि जो नरेटर है वो पहचान नहीं पाया। कहता मैं बबुआ अक्कल, तो उसने खुद ही बताया कि मैं अक्कल हूँ। बचपन में ये जो कहानी बताने वाला उसने देखा था ना उसको, जब खिड़की में बैठे बारिश वाले दिन, तो वही वो बता रहा है कि मैं अक्कल हूँ। अब जो ये नरेटर है बड़ा हो गया है। मैं चौंक पड़ा, मतलब हैरान हुआ, क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? मतलब उसने बचपन में देखा था तो कितना वो सॉलिड एक यंग मैन था, और अब उसकी हालत ऐसी हो गई है। बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है, जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बार है। तो अब हैरान हो रहा है ये नरेटर कि जो उसने उस पूरे विलेज में घर बनाए थे, सबको घर बना बना कर दिया, अब उसी के पास घर नहीं है और भीख मांग कर गुजारा कर रहा है। एक बच्चा जा, अब उसने फिर अपनी कहानी बताई कि मेरा एक उसके जो दो बेटे थे उनमें से एक की डेथ हो गई, जाता रहा मतलब मर चुका है, बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी, बेटी तो पराई ही होती है तो बेटी ने तो जाना ही था, उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी तो वाइफ की भी डेथ हो गई, कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं, अब इस बुढ़ापे में काम भी क्या करेगा वो, इतनी कमाई तो कभी नहीं हुई नहीं कि वह इतना संग्रह कर पाता कि बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। तो कहता ठीक है, उसने अच्छी अर्निंग तो की थी पर इतनी भी नहीं थी कि कुछ संग्रह करके इकट्ठा करके मतलब रख पाता ताकि अपने इस बुढ़ापे में या बुरे दिनों में आराम से जी पाता, इतना भी नहीं स्टोर कर पाया, जमा कर पाया, सेव कर पाया, सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था, तब उसके पास और कोई सोल्यूशन नहीं था तो उसको भीख ही मांगनी पड़ती थी, और भीख भी क्या सदा मिलती है, और भीख भी कौन हर कोई देता है, भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। तो जस्ट एक ढांचा मतलब एक स्ट्रक्चर से बन गया है उसका, मतलब बॉडी पे मांस नाम की चीज़ जस्ट बोन्स ही नज़र आ रही है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ बबुआ। नालिश मतलब शिकायत, कंप्लेंट। तो कहता मैं कोई तुमसे भीख लेने नहीं आया, अक्कल कह रहा है मैं कंप्लेंट करने आया हूँ, तुम ही इंसाफ करो मेरे साथ, मतलब मेरी वो जस्टिस करो मेरे साथ, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले, नहीं तो और कौन उनके साथ बात कर सकता, मतलब तुम ही हो जो कर सकते हो या मुझे जस्टिस दिलवा सकते हो। अक्कल ने कथा सुनाई किस तरह जिंदगी की उठान के समय जब उसके अच्छे दिन थे, जब वो राइज कर रहा था, उसने अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की, किस तरह उनकी कितनी ही परती ज़मीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। परती ज़मीन क्या होती है, जो लैंड ऐसी छोड़ी होती है जिस पर कभी गुड़ाई नहीं होती, हल नहीं चलता, उसको ऐसी छोड़ा होता है, पर ये जो अक्कल है उसने उस परती मतलब इतनी जो हार्ड और ऐसी थी बैरन लैंड कह लो, उसको उसने उपजाऊ बनाया, सॉफ्ट बनाया ताकि उसमें जो है फसल हो सके, हरा भरा खेत बना डाला। किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की, किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े लोगों को ईर्ष्या होती है। लेकिन तो उसने बताया कि रामफल काका का जो बाबू थे रिच मैन दैट, उसकी उसने कितनी तरह से हेल्प की जिसके कारण जो गाँव के अन्य लोग उसके साथ जेलस भी करते थे। लेकिन और बातें जाएं जहन्नुम में, जहन्नुम क्या होता है, हेल, नरक।
अक्कल के साथ महान अन्याय किया गया था। मतलब राइटर ने कहा कि अब वो पूरी उसकी कहानी क्या बतानी है, मतलब उसके साथ जो भी हुआ इतने से समझ में आ रहा है जितनी उसने बात बताई कि उसके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। जाड़े के दिन, मतलब ठंड के दिन, विंटर्स, ना घर ना कपड़ा, तो ऐसे मौसम में ना उसके पास घर है ना उसके पास कपड़े हैं। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। घूर क्या होता है, जैसे विंटर्स में लोग बाहर अपने घर के बाहर कई विलेजेस में या कई जगहों पर लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हो गए या कुछ भी घास फूस जलाकर जला लेते हैं और फिर उसके किनारे पर आसपास बैठकर हाथ सेकते हैं, उसको घूर कहते हैं। तो बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता। तो अब उसका घर तो कोई था नहीं राम उसका अक्कल का, तो वो क्या करता, भीख मांगकर जो भी दिन भर किसी तरह से अपना गुजारा करता, रात को उनके जो पुआल क्या होता है जहाँ पर उन्होंने ऐसे अपना जो घास फूस वगैरह रखा होता है, एक स्मॉल रूम या कोठड़ी कह लो, जिसमें ऐसे ही उसने अपना घास फूस जैसा कुछ भी रखा होता है, तो उसमें वो घुसकर सो जाता ताकि वो नीचे उसके ऊपर उसको मतलब हीट मिलती थी। नीचे उसके पास कुछ वो तो था नहीं, बेडिंग तो था नहीं उसके पास कुछ, तो उसके ऊपर घास फूस के ऊपर ही घुसकर सो जाता था, ठंड नहीं लगती थी उसको। और जब कभी जाड़ा ज़्यादा लगता मतलब ठंड लगती तो उनके घूरे में जाकर आग तापता, तो वहाँ पर हाथ सेंक लेता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहाँ से निकाल दिया है। अब वहाँ से भी जो पुआल में उस स्टोर रूम में वो सो जाता था उसको वहाँ से निकाल दिया। क्यों, मतलब रीज़न क्या था, क्योंकि वह रात भर ताप कर आग ख़त्म कर देता है, तो कभी तापने से भी आग ख़त्म होती है, तो कहते हैं इसलिए उसको निकाल दिया कि तू रात भर सेकता तो इससे मेरी आग ख़त्म हो जाती। तो उसकी कंजूसी का ये हालत थी रामफल की। लेकिन ओके ख़त्म कर देता है बाबू, जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रहे, क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए। तो ये अक्कल अब नरेटर से पूछ रहा है कि अब ठीक है मेरी, तुमने मुझे खाना पीना नहीं देना, कपड़ा लत्ता नहीं देना, मैंने इतनी तुम्हारी जीवन भर सेवा की, तो उसके बदले में मेरी और तो तुमने कोई हेल्प नहीं करनी, क्या मैं आग भी नहीं सेक सकता, उससे भी मुझे वंचित करना, उससे भी मुझे मतलब करना है, वंचित करना क्या था, डिप्राइव ऑफ, मतलब उससे मतलब मैं आग भी नहीं सेक सकता। यह थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता, मेरी आँखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। तो बचपन में बरसात में उसने जो ये नरेटर है उसने बाहर सीन देखा कैसे बारिश हो रही है, तो अब उसकी आंखों से बरसात हो रही थी, मतलब उसको रोना आ रहा था उसकी कहानी सुनकर। तो कहते अब मेरी आंखों से बरसात हो रही थी, शायद वही बता सकते थे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब मुझे पड़ा उससे उसके साथ उसका दुख मैं फील कर रहा था। शहर में गौशाला का उत्सव था, तो गौशाला वो जो कौशेड कोई बनी होगी तो उसका कुछ उत्सव मना रहे थे, कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा था, मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। अब जो नरेटर है उसमें उसने पार्टिसिपेट किया उस फेस्टिवल में, अब वो अपने विलेज को वापस जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गाँव की भी चर्चा हुई थी, तो उसको अच्छा लगा कि हाँ मेरे गाँव के लोगों ने भी गौशाला में अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन दी। रामफल काका ने दो गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था, पुआल मतलब वही उनके खाने जो घास फूस वगैरह था जो मतलब खाते हैं वो जान गऊँ खाती हैं, तो उनका जो घास फूस दो गाड़ी भरकर उसने दान किया गौशाला के लिए रामफल काका ने। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया, तो उन्होंने मेंशन किया, मंत्री जी जो आए होंगे तो उन्होंने मेंशन किया कि इस ढंग से रामफल काका ने बहुत सा मतलब हेल्प की। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गांव बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध, मतलब कोई बूढ़ी हो गई है ओल्ड जो काउज हैं या अपाहिज मतलब जो हेल्पलेस हैं जिनका हैंडीकैप कोई मतलब उनकी टांग या कुछ टूटी हुई है, मतलब जो भी हेल्पलेस एनिमल्स हैं गाय या बैल उनकी रक्षा के लिए गौशाला बनाई गई है। तो कहते कितना अच्छा वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, ऐसा होना चाहिए भी, भला जिन गाँव ने हमें ज़िंदगी भर दूध और बछड़े दिए, तो ये गायें जब अच्छी हालत में थी तो हमें दूध भी देती थी बछड़े भी देती थी, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर ज़मीन को
जरखेज बनाया, मतलब बैल और जो बुल्स हैं उन्होंने खेतों में हल चलाया उस ज़माने में, पुराने ज़माने में। आजकल तो ट्रैक्टर से प्लोइंग होती है, उस ज़माने में जो बुल्स होते थे जो ये वो उनके द्वारा खेत में हल चलाया जाता था, मतलब उनके साथ हल बांध कर तो वो करते थे खेत, मतलब हल चलाते थे खेत में, तो मतलब उपजाऊ खेत को वो करते थे उसकी गुड़ाई। उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए, तो ठीक है अब ये बूढ़े हो गए अब काम नहीं कर सकते तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक, तो ये जो गौशालाएँ ऐसे बनाई जाती हैं तो ये मनुष्यों की जो मनुष्यता है उनकी जो इंसानियत है वो उसका एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि बहुत अच्छा है उनमें कितनी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी कितनी है कि वो जानवरों का कितना ध्यान रखते हैं। यूँ ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था, तो अब राइटर अपने साइकिल पर वापस जा रहा है उस फेस्टिवल को ज्वाइन करने के बाद, अब वापस अपने गांव जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। तब उसने फिर देखा कि एक आदमी जा रहा है रास्ते में, सिर उसका झुका हुआ है। यह तो अक्कल है, कहाँ चले अक्कल, तो उसने पहचान लिया अब की बार कि ये तो अक्कल है। गाँव में अब गुजर नहीं होता बबुआ, तो उसने कहा कि गांव में मैं रह नहीं सकता, मेरा गुजारा नहीं होता, कहीं मांग मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते, तो कहते कहीं भी मांग कर मतलब भीख मांग कर खाऊंगा राम नाम लेते, मतलब उसके बाद वो बोल नहीं पाया, मतलब ऐसे ही किसी दिन मर जाऊंगा ये कहना चाह रहा होगा। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है, कहाँ जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड के लिए, खड मतलब गट यू कैन से, तो के लिए मुट्ठी भर अन्न, तो हमारा पेट तो जो है ये जो हमारा गट्टा होता है इतना से उसको उसकी रिक्वायरमेंट है एक मुट्ठी भर खाना अन्न, मतलब कुछ भी ग्रेन, और शरीर के लिए तीन हाथ जमीन मिल जाए। तो वास्तव में तो एक इंसान की इतनी है कि जितनी उसकी शरीर है उतनी से ज़मीन चाहिए, तीन हाथ मतलब यू कैन से 6 feet है ना, तो इतनी ज़मीन चाहिए उसके लिए सिर अपने शरीर को रखने के लिए और एक मुट्ठी भर अनाज पेट भरने के लिए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए, अब जो नरेटर है हमसे प्रश्न कर रहा है कि ठीक है एनिमल्स के लिए तो हमने गौशालाएं बना दी, उनके साथ तो हमने इंसानियत दिखा दी, पर बूढ़े मनुष्यों का क्या, तो उनके लिए हमने कितनी इंसानियत दिखाई। रामफल काका की बूढ़े गाँव में इतनी मोहब्बत, तो जो रामफल काका है बूढ़ी गाँव से तो बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं, दिखानी भी चाहिए, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके और उस बूढ़े आदमी जिसने दिन जिंदगी भर उनकी सेवा की उनके लिए उसके लिए उन्होंने क्या किया। सो वेरी टचिंग स्टोरी, सच है कई बड़े लोग अपनी शान बढ़ाने या दिखावे के नाम पर गौशाला आदि के नाम पर तो खूब दान दे देते हैं, देना भी चाहिए, पर यही सहानुभूति इंसानियत उन्हें बूढ़े गरीब लाचार मनुष्यों के प्रति भी दिखानी चाहिए। वेल नेक्स्ट टाइम वी शैल डू इट्स बैक एक्सरसाइजेस, कीप लर्निंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।